पीडीडीयू नगर चंदौली मिनी महानगर मुगलसराय में आज का दिन छोटे कारोबारियों के लिए भूखमरी का रहा। यहां पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटवाने हेतु विगत कई दिनों से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसका शुभारंभ आज सुबह एसडीएम सीओ कोतवाल सहित नगर पालिका कर्मचारियों के साथ ही भारी पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ नगर के दोनों पटरियों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए छोटे कारोबारियों के दुकानों को हटाया गया। गोमती व्यवसायी व दुकानों के बाहर लगे टीन शेडों सहित निर्मित कब्जे वालों को ध्वस्त कराया गया। वहीं जिन लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया तो ठीक, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण हटवाए जाने पर जुर्माना के रूप में वसूली भी की गई। इस दौरान नई बस्ती से लेकर सब्जी मंडी तक के अवैध निर्माण हटाए गए, जिससे छोटे व्यापारियों के आगे भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। उनका कहना था कि प्रशासन द्वारा हम लोगों की व्यवस्था कराए बिना ही हम लोगों के रोजी रोटी छीन ली गई। 18 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और पीसी में स्पष्ट आदेश था कि जो नगर क्षेत्र में रोड के सहारे जो इंप्रूवमेंट है उसको हटाया जाए, लेकिन हटाने से पहले वहाँ के संगठनों को विश्वास में ले लिया। इसको डिस्कट हम लोगों ने एक बार कोतवाली में बैठक की सारे लोगों को, हमारे सभी उद्योग सारे व्यापार मंडल सब्जी मंडी और अन्य संगठन के लोग भी उपस्थित थे। उनको बताया गया कि भाई आप अपने जो इंक्रोचमेंट है पीडब्ल्यूडी के ज़मीन पर उसको हटा लें। उसके बाद हमारे बैठक के बाद डीएम साहब के द्वारा जिले में बैठक हुई, उसके बाद आईजी साहब द्वारा फिर कोतवाली में बैठक हुई और सबको स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आप जो पीडब्ल्यूडी की जो जीटी रोड के सहारे दोनों ज़मीन है उस पर अगर इलीगल एंक्रोचमेंट है तो उसको हटा दें। कुछ लोगों ने अपने आप हटा लिया है। आज हम लोगों ने पहली बार एक मैसेज दिया है, पीडब्ल्यूडी के लोग थे, हमारे सीओ साहब थे, नगर पालिका के लोग, संयुक्त टीम बनी। आज हम लोगों ने एक अभियान चलाकर जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाने का कार्य किया गया है। आज और लोगों को भी बता दिया गया है कि इस तरह के आगे भी कार्रवाई चलेगी। अभी काफ़ी बाकी है। एसडीएम साहब अतिक्रमण हटा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, क्या इन लोगों के लिए कोई सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है इन लोगों को? इसमें जो हमने कहा था, जो थोक फल व्यापारी थोक मंडी के लोग हैं, ज़्यादातर उन्हीं लोगों की ज़्यादा ज़मीन को उन लोग कब्जा किए हुए थे, कुछ बजरी वाले, कुछ इस तरह के बोर्ड वोड लगा के कब्जा किए हुए थे, उनको आज पत्थर वाले उनको हटाया गया है। और गरीबों के लिए जो हमारे सब्जी मंडी में ही मैं खड़ा हूँ, इनको हमने कहा है कि हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं और अस्थाई को हम लोग हटा रहे हैं और अस्थाई को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अस्थाई रूप से जिन लोगों ने रोड पर अपना बना रखा है बहुत ज़्यादा भूमि पर, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। अभी हम लोग अस्थाई लोगों को जो ठेले पर हैं उनको हम डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, उनको व्यवस्थित करने की कार्रवाई चल रही है।